हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्टल ब्रेन्स। क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसे मैं समराइज़ कर देता हूँ। और यदि आपको इस क्वेश्चन का डिटेल देखना है, डिटेल्ड क्वेश्चन, तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दिया है। तो क्वेश्चन है कि N+18 वर्कर्स जो हैं, N+18 वर्कर्स जो कि प्रत्येक वर्कर 7.5 आवर्स इच मेहनत करते हैं और उस काम के 48% काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि N+12 वर्कर्स जो कि प्रत्येक 6.5 आवर्स काम करते हैं और इस काम के 52% को 30 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि N+18 वर्कर्स के लिए इन्होंने 48% काम को 20 डेज में पूरा करा है, तो इसलिए ये 100% काम को 20/48×100 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली N+12 वर्कर्स ने 52% काम को कंप्लीट करने में 30 डेज लगाया है, तो इन्हें 100% काम को कंप्लीट करने में 30/52×100 डेज लगेंगे। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट को हम इक्वलाइज़ करेंगे क्योंकि दोनों ने 100% काम पूरा कर रखा है। तो हम लिख सकते हैं कि N+18 वर्कर्स 7.5 आवर्स इच काम करके एक काम को 100% का मतलब होता है एक काम को कितने दिनों में करा है, 20/48×100। उसी तरह से N+12 वर्कर्स 6.5 आवर्स इच काम करके 100% काम को 30/52×100 डेज में पूरा करा है, तो ये 100-100 कैंसिल हो जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा N+18×5 एंड N+12×6। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5N+90=6N+72। तो यहाँ से हमें N की वैल्यू मिलेगी 18। तो N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो 18 इज़ द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।